Hello everyone, I hope you are doing good. So today we are going to make this beautiful ocean resin art. It is very trending nowadays. This is the first time I have worked with the resin and I am very happy with the outcome. So I thought to share with you all some tips and tricks of doing resin art. So let's get started. इसके लिए आर्ट सप्लाईज जो हमें चाहिए वो है जेसो एंड टेक्सचर पेस्ट। ये होममेड जेसो एंड टेक्सचर पेस्ट है जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेकेंड हमें चाहिए इपॉक्सी रेजिन एंड हार्डनर। ये दो पार्ट्स में आता है। एंड अ मेजरिंग कप। ये कुछ डिस्पोजेबल कप्स हैं जो हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्रिलिक पेंट्स, वाइट, टर्कोइज एंड गोल्डन शेड। ये रेजिन पिगमेंट्स हैं जो पाउडर फॉर्म में होता है जिसे हम रेजिन में मिक्स करेंगे। कुछ शी सेल्स एंड चार्म्स, पेंट ब्रशेस एंड सम वुडन स्टिक्स फॉर मिक्सिंग। सबसे पहले हम टेक्सचर क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये वुडन टिश्यू बॉक्स। इसके स्लाइडिंग पार्ट को हमें अलग कर लेना है। हमारे सरफेस को रेडी करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एक बेस कोट वाइट जेसो का। जेसो ड्राई होने के बाद यहाँ मैं एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और अब इस पोर्शन पर हम टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ हम थोड़ा थिक लेयर लगाएंगे टेक्सचर पेस्ट की और अब हमारी शी शेल्स को स्टिक करेंगे ऑन दिस पोर्शन। ये कुछ स्मॉल स्मॉल स्टोन्स हैं वो भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी सी चार्म्स, पर्ल, बीड्स, स्टोन्स या फिर सैंड का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बॉक्स की साइड्स पर भी टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पर एक रफ एंड सैंडी टेक्सचर क्रिएट करना है इस तरह से। इसे बीच का लुक देते हुए हम बॉर्डर पर भी कुछ स्टोन्स एंड शेल्स स्टिक करेंगे। इसे कंप्लीटली ड्राई होने दीजिए। ड्राइंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए आप हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं। इसे थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाएगा और अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर ड्राई होने दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप इज पेंटिंग। अब सी पोर्शन पर हम एक बेस कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये टर्कोइज ब्लू एक्रिलिक पेंट। इसे सिंपल फ्लैट ब्रश से अप्लाई कीजिए। यहाँ पर थोड़ा लाइटर शेड देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रिलिक पेंट। इस तरह से आपको शेड्स को मर्ज करना है। बीच पोर्शन पर हम अप्लाई करेंगे ये गोल्डन मेटालिक शेड जिससे कि एक शाइनी एंड सैंडी लुक आएगा और इस तरह से हमारे टेक्सचर पार्ट को हम गोल्डन शेड से कवर कर लेंगे। थिन ब्रश की हेल्प से हम ये नैरो पार्ट्स को भी पेंट करेंगे और शेल्स के बीच में जो स्मॉल स्मॉल गैप्स हैं उनको भी हम गोल्डन पेंट से फिलअप करेंगे। और फिर पेंट को हम कंप्लीटली ड्राई होने देंगे और जब तक पेंट ड्राई हो रहा है हम प्रिपेयर करेंगे हमारा रेजिन बॉल। इपॉक्सी रेजिन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेजिन एंड दूसरा होता है हार्डनर। इनका मिक्सिंग रेशो इनकी बॉटल्स पर लिखा होता है। हमें एग्जैक्टली सेम रेशो में ही इन्हें मिक्स करना है। आप किसी भी ब्रांड का रेजिन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो रेजिन एंड हार्डनर है इसका रेशो है 1:1। इट मीन्स मुझे ये दोनों इक्वल पार्ट्स में मिक्स करना है।
इसे अच्छे से कम हमें 1 से 2 मिनट तक मिक्स करना है। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो इसमें बबल्स आ सकते हैं। अब इस क्लियर रेजिन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ टू मिक्स कलर्स इन दिस। रेजिन को कलर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेजिन पिगमेंट पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह एक्रिलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर इसमें मिक्स करना है। आई एम यूजिंग दिस सी ग्रीन एंड डार्क ब्लू शेड हियर और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले हम क्लियर रेजिन से हमारे शी सेल्स को कवर करेंगे। इससे हमारी शेल्स बिल्कुल अच्छे से स्टिक भी हो जाएंगी और एक बहुत ही अच्छा ग्लॉसी फिनिश आएगा। और फिर इस पेंटेड पोर्शन पर हम पॉर करेंगे कलर्ड रेजिन। स्टिक की हेल्प से हम इसे बॉक्स पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। थोड़ा थोड़ा रेजिन आप पॉर कीजिए और फिर उसे स्प्रेड कीजिए। Now I am using this sea green colored resin here. इन दोनों शेड्स को हमें मर्ज करना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रेजिन वर्क करते वक्त हैंड ग्लव्स जरूर पहने। मैंने यहाँ पे नहीं पहना है क्योंकि मेरे पास करंटली अवेलेबल नहीं था। और अगर रेजिन हैंड्स में स्टिक हो गया है तो आप थोड़ा सा विनेगर अप्लाई कीजिए हैंड्स में एंड रब इट एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉश योर हैंड्स। इसी तरह से हम बॉक्स की साइड्स पर भी रेजिन स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ थोड़ा कलर मुझे लाइट लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लू रेजिन और यूज़ कर रही हूँ। सी वेव्स बनाने के लिए हम वाइट रेजिन का यूज़ करेंगे। क्लियर रेजिन यूज़ करने के बाद मैंने उसी कप में वाइट पिगमेंट मिक्स कर लिया है। और फिर हेयर ड्रायर की हेल्प से हम इस तरह से सी वेव्स क्रिएट करेंगे। ड्रायर को हमें बिल्कुल हाई स्पीड पर रखना है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वेव्स बन रही हैं। वेव्स को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर वाइट रेजिन का यूज कर रही हूँ। आपको ये पूरा रेजिन प्रोसेस 40 टू 45 मिनट्स में फिनिश करना है बिकॉज उसके बाद ये रेजिन हार्ड होने लगता है। सो ट्राई टू फिनिश दिस वर्क इन 30 टू 40 मिनट्स। आई एम कीपिंग दिस ऑन दिस वायर स्टैंड। सेम वे में मैंने इसके स्लाइडिंग पार्ट को भी रेजिन से कवर कर दिया है। अब इसे मिनिमम हमें 24 आवर्स तक सेट होने के लिए रखना है। इसे ऐसी प्लेस पर रखिए जो बिल्कुल डस्ट फ्री हो। आप चाहें तो इसे किसी बॉक्स से भी कवर कर सकते हैं। और फाइनल स्टेप इज एम्बेलिशमेंट। नेक्स्ट डे देखिए मेरा रेजिन बिल्कुल सेट हो गया है और इतना ब्यूटीफुल एंड ग्लॉसी फिनिश आया है। इसे थोड़ा और एम्बेलिश करने के लिए मैं यहाँ बॉर्डर पर अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन मेटालिक पेंट। इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश आएगा। और अब इसे फाइनल टच देने के लिए हम लेंगे लिटिल बिट ऑफ वाइट ग्लू एंड मिक्स ग्लिटर फ्लेक्स इन दिस। और फिर थोड़ा थोड़ा ग्लिटर हम रैंडमली इस तरह से अप्लाई करेंगे। सी हाउ गॉर्जियस इट इज लुकिंग। और हमारा ओशियन रेजिन और टिश्यू बॉक्स बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेजिन आर्ट, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।